अदाबर्ज है, एमसीएन उर्दू न्यूज में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, मैं हूँ शेख कुरबानो। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर से गुजरने वाले रास्तों पर मौजूद बेशतर पुल हुए खस्ता, टूट चुकी है रेलिंग्स, मगर इसी महीने कर लिया जाएगा मरम्मत का काम। म्यूनिसिपल कमिश्नर डी एम मुडिकर का तयकुन, एमसीएन न्यूज का असर। जिला कलेक्ट्रेट के कॉन्फ्रेंस हॉल में डिस्ट्रिक्ट केयर एंड कंट्रोल कमेटी की मीटिंग मुनाकिद, हुकूमत की स्कीम का लिया गया जायजा, अफसरान को दी गई मुकम्मल फंड इस्तेमाल में लाने की हिदायत। रियासत महाराष्ट्र के अवाम की तरक्की और उन्हें फितनों से निजात दिलाने की गर्ज से जमात इस्लामी हिंद की जानिब से 12 से 21 जनवरी तक चलाई गई इस्लाम बराए अमन व तरक्की व निजात तहरीक, शहरियान से मुहिम कामयाब बनाने की अपील। और 14 जनवरी को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के तौसी नाम दिन के मौके पर यूनिवर्सिटी के करीब रहेगा पुलिस का कड़ा बंदोबस्त और खुली रहेंगी पुलिस के कैमरों की आंखें, कहा पुलिस कमिश्नर यशस्वी यादव ने। और अब खबरें तफसील से। शहर से गुजरने वाले जिन नालों की रेलिंग टूट चुकी है उनकी मरम्मत जनवरी का महीना खत्म होने से पहले कर ली जाएगी, ये इत्तला म्यूनिसिपल कमिश्नर डी एम मुंगड़ीकर ने एमसीएन को दी। वाजिर है कि गुज़श्ता दिनों ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरने वाले नालों की रेलिंग टूट जाने के सबब वहाँ के साकिनान को दरपेश मसाइल से मुतालिक एमसीएन पर न्यूज़ दिखाई गई थी। हमारी न्यूज़ का असर हुआ और म्यूनिसिपल कमिश्नर डी एम मुंगड़ीकर ने इस बात का नोटिस लेते हुए मुतालिका इंजीनियर्स को हिदायत दी कि शहर से गुजरने वाले वो सभी नाले जिनकी रेलिंग टूटी हुई है, ख्वाब वो सीवरेज लाइन डालते वक्त टूटी हो या किसी और वजह से, जनवरी का महीना खत्म होने से पहले उनकी मरम्मत कर ली जाए ताकि साकिनान हादसात के शिकार ना होने पाए। शहर में कई नालों का साइड रेलिंग टूटने की शिकायतें हमें प्राप्त हो चुकी है। इसका कारण भूमिगत गटर योजना का जो काम चल रहा है उसकी वजह से हो सकता है या किसी दूसरी वजह की भी वजह से भी ये नाले की रेलिंग टूट सकती है। ये सभी रेलिंग को दुरुस्त करने का आदेश मैंने दे दिया है और इस महीने में जनवरी महीने में नागरिकों की सुरक्षा मद्देनजर रखते हुए ये सभी नाले के रेलिंग्स को ठाक ठीक रूप से ठीक कर दिया जाएगा। म्यूनिसिपल कमिश्नर ने यह भी बताया कि पंचकुआ कब्रस्तान से मुतसल नाले की हिफाजती दीवार का अधूरा काम भी जल्द पूरा करवाया जाएगा। वो कॉन्ट्रैक्टर को इमीडिएटली हम बुला के उसको सूचना कर देंगे और वो जो काम है जो अधूरा कॉन्ट्रैक्ट ने छोड़ दिया है किसी भी हालत में पूरा करने की योग्य खबरदारी हम ले रहे हैं। 14 जनवरी को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के तौसी नाम दिन के मौके पर यूनिवर्सिटी के करीब पुलिस का कड़ा बंदोबस्त रहेगा और पुलिस के कैमरों की आंखें सब पर रहेगी, ये इतला पुलिस कमिश्नर यशस्वी यादव ने एमसीएन को दी। औरंगाबाद में यूनिवर्सिटी के नामांतरण के उपलक्ष्य पे काफ़ी बड़ा समारोह होने वाला है, उसमें मेरी सभी नागरिकों से अपील है, सभी लोगों से अपील है कि शांति बनाए रखें, पुलिस का सहयोग करें, लॉ एंड ऑर्डर सुदृढ़ बनाने का प्रयास करें, क्योंकि भीमा कोरेगांव के दंगों के बाद से ये बेहद आवश्यक है कि समाज का विघटन ना हो, समाज में अच्छी भावना का निर्माण हो। इसलिए हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं, हम अपने सभी एसपीओज, विशेष पुलिस अधिकारी, एसआरपीएफ की कंपनी, क्यूआरटी की कंपनी, रायट कंट्रोल पुलिस, प्लास्टिक बुलेट्स, ड्रोन कैमराज, सीसीटीवीज, ये सब लगा रहे हैं उस स्पॉट पे और नाकाबंदी वगैरह भी कर रहे हैं। इसमें नागरिकों से आह्वान है कि कृपया हमारा इसमें समर्थन करें, हमारा साथ दें, जिससे कि हम औरंगाबाद को सुरक्षित और सेफ सिटी के रूप में बना सकें। रियासत के अवाम की तरक्की और उन्हें फितनों से निजात दिलाने की गर्ज से जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र की जानिब से 12 से 21 जनवरी के दरमियान रियासत की सतह पर मुहिम चलाई जा रही है, ये इत्तला आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गयी। जमात इस्लामी के जिम्मेदारान ने साफियों को बताया कि 21वीं सदी की दूसरी दहाई खत्म होने जा रही है और इस सदी को हैरत अंगेज इतलाती इनकलाब की सदी के लिए याद किया जाएगा, मगर आज सारी दुनिया में इंसानियत सिसक सिसक कर दम तोड़ रही है। अखलाकी बुराइयां तेजी से पनप रही हैं जिसके सबब माशरे में बिगाड़ पैदा हो चुका है। शराब नोशी, खवातीन पर मुजालिम, फिरका परस्ती जैसी बुराइयों से मुल्क की अवाम जूझ रही है, लिहाजा अवाम में इस्लाम बराए उम्मत तरक्की उनजात के उनवान से रियासतगीर सतह पर 12 से 21 जनवरी के दरमियान अवामी बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम के जरिए रियासत महाराष्ट्र की 4 करोड़ अवाम तक तरक्की व निजात का पैगाम पहुंचाने के लिए 7 कारवा तश्कील दिए गए हैं,
جو 36 اضلاع کے 600 مقامات پر مختلف پروگرامز کے ذریعے اس پیغام کو عام کریں گے۔ اورنگ آباد شہر میں بھی یہ مہم چلائی جائے گی جو 12 نومبر کو لانچ کی جائے گی۔ اسی ضمن میں مہم کی افتتاحی تقریب 12 جنوری بروز جمعہ 7 بجے یشونت راؤ چوہان ناٹیہ گرہ میں رکھی گئی ہے۔ اسی طرح 14 جنوری بروز اتوار بعد نماز مغرب روشن گیٹ پر ایک عوامی جلسہ منعقد کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ سوشل نیٹ ورک، شارٹ فلم، ایس ایم ایس، انفرادی و اجتماعی ملاقاتیں، خصوصی لیکچرز، ہورڈنگز، اسٹیکرز اور پوسٹرز کے ذریعے اس مہم کے اغراض و مقاصد سے شہریان کو واقف کروایا جائے گا۔ آرگنائزرز نے انسانیت کی بقا کے لیے شہریان سے اس مہم کا حصہ بننے کی اپیل کی ہے۔ اس پریس کانفرنس میں مولانا الیاس فلاحی، عبد الواجد قادری، واجد علی خان، شیخ ضمیر، شیخ افسر، نوشاد عثمان، عبد الجواد قادری، قاضی مخدوم محی الدین، فہیم النساء بیگم، خالدہ امت العزیز اور عادل مدنی کے علاوہ جماعت اسلامی اورنگ آباد کے دیگر ذمہ داران بھی موجود تھے۔ اسلام کا سندیش ہا شانتی کا سندیش ہے، آنی تیچا دوارے سماجا مدھے پرگتی ہوای، دیشاچی پرگتی ہوای، وکاس ہوا ہوا، آنی یہاں مدھے کٹھ تری جو بھرشٹاچار ہے جیچا دوارے سماجا لائے کھیڑ لاغ لے لائے، آنی اپلی پرگتی ایک ایک ہوت استانا تو ادھو کدھی دیکھیل ہوتا ہے، تر یا مدیاور لوکا مدھے جاگرکتا نرمان کرنے ساتھی، نیتک شکون تینچا مدھے آنے ساتھی، جماعت اسلامی ہند مہاراشٹر ترفے شانتی پرگتی آنی مکتی ساتھی اسلام یا وشیاور ایک راجیہ ویاپی مہم 12 جانیواری تے 21 جانیواری پریانت گھینے آتی ہے تو آئے، آنی یا چا ادیش آسا چاہے کہ مہاراشٹرتل 4 کوٹی لوکا پریانت ہا سندیش پہنچاوا، اسلام چا سندیش جو شانتی چا سندیش ہے، جو پریما چا سندیش ہے، جو مانوتے چا سندیش ہے، جو سروانا بروبری نہ گھون جانے چا سندیش ہے، ہا سندیش جنتے تی مہاراشٹرتل سرو لوکا پریانت پہنچوانا چا ادیشانا ہی مہم مہاراشٹر جماعت اسلامی طرفے گھینے آتی ہے۔ پورے سماج کو یہ دینا چاہتے ہیں کہ سماج امن کے لیے ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلیں، اور ڈیولپمنٹ کے لیے، پورے سماج کے ڈیولپمنٹ کے لیے، اور وہ صحیح ڈیولپمنٹ ہم سب ساتھ میں چلیں، اور یہ 10 دن صرف ایک جگانے کے دن ہے، ورنہ بیداری کے لیے پوری زندگی حاضر ہے۔ ہم اس کے لیے اپنا سب کچھ لگا دینے کے لیے تیار ہیں کہ سماج امن اور شانتی کا پیکر بنے، اور صحیح ترقی جس کو ہم اخلاقی، روحانی، سیاسی، سماجی ترقی کہتے ہیں وہ قائم ہو، اور پورے سماج کے سمسیاؤں کا سمادھان ہو۔ ڈسٹرکٹ کیئر اینڈ کنٹرول کمیٹی کی ایک میٹنگ ضلع کلیکٹوریٹ کے کانفرنس ہال میں رکھی گئی، جس کی صدارت کمیٹی کے چیئرمین اور رکن پارلیمنٹ چندر کانت کھیرے نے کی۔ اس میٹنگ میں کلین انڈیا مشن، اٹل امرت اسکیم، ہیریٹیج سٹی ڈیولپمنٹ اسکیم، وزیر اعظم گھر کل اسکیم، دین دیال اسکیم، حکومت ہند کی گرانٹ اسکیم، اسمارٹ سٹی پروجیکٹ، سیوریج لائن پروجیکٹ، نیشنل ہیلتھ مشن، نیشنل ہائی وے اسکیم، نیشنل ہسٹوریکل سٹیز ڈیولپمنٹ اسکیم، وزیر اعظم اجولا اسکیم اور انفراسٹرکچر پروگرام کا دفتری جائزہ لیا گیا۔ کمیٹی کے صدر چندر کانت کھیرے نے متعلقہ افسران کو ہدایت دی کہ ضلع اورنگ آباد میں حکومت کی اسکیمات کے لیے جو فنڈ ملا ہے اس کا عوامی بھلائی کے لیے صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے، کام کاج میں ٹرانسپیرنسی رکھی جائے، اور اس بات کی ہر ممکن کوشش کی جائے کہ فنڈ حکومت کو لوٹا دینے کی نوبت نہ آئے۔ اس میٹنگ میں میئر نند کمار گڈیلے، ایم ایل سی سبھاش جھامبڑ، ضلع کلیکٹر نول کشور رام، کارگزار ڈپٹی ضلع کلیکٹر انجلی دھانورکر، میونسپل کمشنر ڈی ایم منگڑیکر اور دیگر عوامی نمائندے اور افسران شریک ہوئے۔ جنرل باڈی میٹنگ کے دوران سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کے الزام میں دائر شدہ مقدمے میں فاضل عدالت نے کارپوریٹر سید عبد المتین اور ظفر بلڈر کی ضمانت کی درخواست منظور کر لی۔ واضح رہے کہ 16 اکتوبر کو منعقدہ جنرل باڈی کی میٹنگ میں شہر میں یکساں اور اطمینان بخش مقدار میں پانی سپلائی کے مطالبے پر کارپوریٹر عبد العظیم، سید عبد المتین، ظفر بلڈر اور اپوزیشن کے دیگر کارپوریٹرز میئر کا اسا بھگا لے جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسی دوران کارپوریٹر عبد العظیم کی سیکورٹی آفیسر کے ساتھ لفظی جھڑپ ہو گئی اور وہاں ہنگامہ شروع ہو گیا تھا، جس کے بعد میونسپل سیکورٹی آفیسر جادھو نے کارپوریٹر سید متین اور شیخ ظفر بلڈر کے خلاف سٹی چوک پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی تھی۔ لہذا اس معاملے میں ضمانت کے لیے دونوں ہی کارپوریٹرز نے عدالت میں گزشتہ ہفتے درخواست داخل کی تھی، جو فاضل عدالت نے نامنظور کر کے انہیں میجسٹریل کسٹڈی میں رکھنے کا حکم دیا تھا۔
लिहाजा जमानत के लिए दोनों ही कारपोरेटर्स की जानिब से गुज़श्ता रोज़ फिर से दरख्वास्त दाखिल की गई, जिसे फाजिल अदालत ने मंजूर कर लिया, जिस पर कारपोरेटर सैयद अब्दुल मतीन के वर्कर्स ने जश्न मनाया और ढोल ताशे बजाए। इसी तरह म्यूनिसिपल कॉरप्शन दफ्तर के सामने भी जोरदार आतिशबाजी की गई। पानी का कई गुज़िश्ता दिनों से मसला चल रहा है। स्टैंडिंग कमेटी में बार बार पानी के मसले को उठाने के बावजूद हमारे भारवाल साहब चेयरमैन ने रूलिंग दी थी वाटर सेक्शन को, ओल्ड सिटी के अंदर समान पानी दिया जाए, मगर वो आज तक उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। पिछले जनरल बॉडी में भी ये मसाइल को उठाया गया। ये जनरल पिछले जो गढ़ामुड़े महापौर थे वो जनरल बॉडी में जो गोंधड़ हुआ था उसके ऊपर मेरे ऊपर FIR हुआ था, उस मामले में हरसुल जेल भिजाया गया था। आज मेरी रिहाई अमल में आई और हम समान पानी की लड़ाई जारी रहेंगी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम की जानिब से। पानी टाइम पे और तीन दिन आठ पानी नहीं आता, जब तक हम ये हमारी लड़ाई जारी रहेंगी, जद्दोजहद जारी रहेंगी, यही बोलना है। शहर में बुनियादी सहूलतें फौरी फराहम करवाई जाए, इसी तरह हॉकर जोन कायम होने तक फेरी वालों के खिलाफ शुरू की गई मुहिम फौरी बंद की जाए। इस मुतालबे पर गब्बर एक्शन कमेटी के एक वक्त ने आज म्यूनिसिपल कमिश्नर से मुलाकात की और एक मुतालबाती मेमोरेंडम उनके सुपुर्द किया। वक्त में शामिल अफराद ने म्यूनिसिपल कमिश्नर को बताया कि AMC इंतजामिया की जानिब से रात के वक्त में फेरी वालों के खिलाफ कार्रवाई करके उन्हें बेजा हरासा किया जा रहा है, उनका सामान सड़क पर फेंका जा रहा है और उन्हें माली नुकसान पहुँचाया जा रहा है, जबकि कानून के मुताबिक सूरज गुरूब हो जाने के बाद इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसके अलावा फाजिल अदालत और हुकूमत ने हॉकर जोन कायम करके फेरी वालों को वहां मुंतकिल करने की हिदायत दे रखी है, मगर म्यूनिसिपल इंतजामिया ने इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी। लिहाजा पहले शहर में हॉकर जोन कायम किए जाए, उसके बाद ही ठेले वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। गब्बर एक्शन कमेटी के जिम्मेदार ने इल्ज़ाम लगाया कि अंडरग्राउंड सीवरेज लाइन प्रोजेक्ट के तहत शहर में जो काम किया गया है वो नाकिस दर्जे का है, जिसकी वजह से ड्रेनेज का गलीज पानी पीने का पानी सप्लाई करने वाली पाइपलाइन में दाखिल होकर शहर के बेशतर इलाकों में आलूदा पानी सप्लाई किया जा रहा है, जिससे शहरियान वबाई अमराज की जद पर हैं। लिहाजा इस जानिब तवज्जो दी जाए और शहरियान को जरासीम से पाक साफ व शफाफ पानी सप्लाई किया जाए। शहर में जगह जगह सीमेंट रास्तों की तामीर का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से पूरा शहर धूल की लपेट में है, लिहाजा इस मसले को भी फौरी हल किया जाए। शहरियान को गड़ों से निजात दिलाने के लिए पैचवर्क का जो काम किया गया है वो भी नाकिस दर्जे का है, और सिर्फ इन रास्तों पर ही पैचवर्क किया गया जहां से VIPs गुजरते हैं। आज भी शहर के बेशतर इलाकों के रास्ते टूटे हुए हैं और गड़ों के सबब शहरियान मुख्तलिफ जिस्मानी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, लिहाजा शहरियान को गड़ों से निजात दिलाने के लिए ठोस कदम उठाए जाए। शहरियान को सिर्फ 48 दिन पानी सप्लाई किया जा रहा है, जबकि उनसे 1 साल का वाटर टैक्स वसूल किया जा रहा है, लिहाजा साल के 365 दिन पानी सप्लाई किया जाए या फिर वाटर टैक्स में 75% सहूलत दी जाए। ट्रैफिक में रुकावट के नाम पर गरीब ठेले वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जबकि शहर भर में पार्किंग की जगह पर दुकानें और कमरे तामीर कर लिए गए हैं, जिसकी वजह से लोग रास्तों पर अपनी गाड़ियां पार्क कर देते हैं और राहदारी के लिए रास्ता नहीं बचता, लिहाजा पार्किंग की जगह पर तामीर करदा दुकानें और कमरे फौरी मुनद्दिम किए जाएँ। वार्ड में शामिल अफराद ने इंतबाह दिया कि उनके मुतालबात फौरी मंजूर ना किए गए और शहरियान को बुनियादी सहूलतें फराहम ना की गई तो एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी, जिस पर म्यूनिसिपल कमिश्नर ने उन्हें यकीन दिलाया कि शहर की तरक्की में बनने वाली सभी रुकावटों को दूर किया जाएगा और उनके मुतालबात पर संजीदगी से गौर करके शहरियान को राहत फराहम की जाएगी। इस वक्त में तंजीम के सदर मकसूद अंसारी, कारगुजार सदर इमरान पठान, हफीज अली, प्रवीण ब्रांडे, अब्दुल कय्यूम, अशरफ खान, हसन शाह, रहीम खान, फेरोज लतीफ पटेल, मिर्जा जावेद बेग, शेख अवेस, शेख मुख्तार और तंजीम के दीगर जिम्मेदारान शामिल थे। शहरातल्या दूषित पानी निमित्त, पार्किंग निमित्त आणि विविध समस्या निमित्त प्रश्न उचलण्यात आले। शहरात 1 वर्षाचा पाणीपट्टी घेण्यात येतो आणि फक्त 48 दिवस पाणी पुरवला जातो, त्यानिमित्ताने आयुक्तांना आम्ही इथे निवेदन दिलं आहे आणि फेरीवाला धोरण ज्या धोरणाअंतर्गत नियम तयार करण्यात आले ते नियमाचं पालन करून शहरात हॉकर झोन डिक्लेअर लवकरात लवकर करण्यात यावे, यासाठी आम्ही त्यांना निवेदन सादर केलेलं आहे आणि याबाबत आयुक्तांनी आम्हाला शब्द दिलेला आहे की येत्या 10 ते 15 दिवसात आम्ही हॉकर संबंधला विषय आणि दूषित पाण्याच्या विषयाच्या संदर्भातला विषय हा मार्गी लावू आणि याबाबतचं आश्वासन त्यांनी आम्हाला दिलेलं आहे। जर याबाबत निर्णय 15 दिवसात नाही झाले तर गब्बर ॲक्शन कमिटीतर्फे तीव्र निदर्शने करण्यात येईल। जिला परिषद के तहत चलने वाले स्कूल्स के 32% तलबा रियाजी में निहायत कमजोर है, जबकि 45% तलबा ऐसे हैं जिन्हें पढ़ना लिखना ही नहीं आता,
जिसकी वजह से टीचर्स और एजुकेशन डिपार्टमेंट की कारकर्दगी पर सवाल या निशान लग चुका है। नाजरीन, हुकूमत की जानिब से डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा फंड तालीम पर खर्च किया जाता है, ताकि मुल्क का एक भी बच्चा तालीमी धारे से दूर ना होने पाए और मेयार तालीम बुलंद हो सके। लेकिन जिला परिषद के तहत चलने वाले स्कूलों में तालीमी इंतजाम बिगड़ चुके हैं। एमसीएन के नुमाइंदे के मुताबिक एक सर्वे से ये बात वाजे हो चुकी है कि औरंगाबाद, जालना, बीड़ और हिंगोली जिला परिषद के एजुकेशन डिपार्टमेंट्स तालीम की धज्जियां उड़ाने के मामले में सरे फहरिस्त हैं। यहाँ 32% तलबा रियाजी में निहायत कमजोर हैं, बल्कि वो बुनियादी सवालात भी हल नहीं कर पाते, जबकि 45% तलबा को लिखना पढ़ना ही नहीं आता। अब सवाल ये है कि जिला परिषद के तहत चलने वाले स्कूलों में तालीम के बिगड़े हुए इंतजाम के लिए जिम्मेदार कौन है, एजुकेशन डिपार्टमेंट या मुतालिका तालीमी इदारों के हेडमास्टर्स और टीचर्स। महाराष्ट्र एसटी कॉर्पोरेशन की जानिब से 10 से 25 जनवरी तक मुसाफिर तहफुज मुहिम चलाई जा रही है। ये इतला डिपो मैनेजर स्वप्निल धानाड़ ने एमसीएन को दी। सुरक्षित पंधरवाड़ा मध्ये कर्मचाऱ्यांचं सुरक्षित वाहन चालवणे बाबत जबाबदारी निर्माण करणे हे मूलभूत आमचं एक कर्तव्य पण आहे आणि ते कर्मचाऱ्यांचं देखील कर्तव्य आहे। ती जाणीव निर्माण करण्याकरता, प्रबोधन करण्याकरता तज्ञ लोकांचे मार्गदर्शन या पंधरवाड्यात ठेवण्यात येणार आहे। तसे प्रजापती ब्रह्मकुमारी विश्वविद्यालयातर्फे एक गेस्ट लेक्चर, आर्ट्स ऑफ लिव्हिंग तर्फे एक गेस्ट लेक्चर व यांत्रिकी कर्मचाऱ्यांसाठी अशोक लेलँडतर्फे एक लेक्चर ठेवण्यात येणार आहे। तसेच आता बसेसमध्ये देखील सुरक्षिततेबाबत आधुनिक तंत्रज्ञान आलेलं आहे, ABS सिस्टीम, रिटार्डेशन सिस्टीम या देखील आलेल्या आहेत। तसेच प्रवाशांना देखील सुरक्षित प्रवासाचा विश्वास निर्माण करणे हे महामंडळाची जबाबदारी आहे। ते या 15 दिवसाच्या मोहिमे थ्रू कायम वर्षभर राहण्याकरता ही मोहीम आयोजित करण्यात आलेली आहे। तर या मोहिमेमध्ये जवळपास सर्व आगाराचे कर्मचारी सहभागी होणार आहेत, तसेच विभागाचे देखील कर्मचारी सहभागी होणार आहेत। नाजरीन, जिला औरंगाबाद के लगभग 1.25 लाख आवाम को ऐन मौसम सरमा में टैंकरों के जरिए पीने का पानी फराहम किया जा रहा है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मौसम गर्मा में क्या हाल हो सकता है। नाजरीन, गुज़श्ता बारिश के मौसम में और बिलखुसूस मौसम के आखिर में बहुत अच्छी बारिश हुई, जिससे न सिर्फ आवाम के पीने के पानी का मसला हल हो गया बल्कि मवेशियों के लिए भी पानी का जखीरा जमा हो गया। लेकिन ज़राए का कहना है कि ज़िला औरंगाबाद में वाक़ तालुका गंगापुर और फुलमरी के देही मकामात पर मौसम सरमा ही में पानी के ज़खायर अट चुके हैं, जिसकी वजह से अवाम को पीने के पानी के लिए दर बदर भटकना पड़ रहा था। लिहाजा मुतालिका इंतजामिया की जानिब से लगभग 1.25 लाख मुतासर अफराद को टैंकरों के जरिए पानी फराहम किया जा रहा है, जिसके लिए इंतजामिया ने चंद कुएँ अपनी तहवील में ले रखे हैं। नाजरीन, जब मौसम सरमा में ऐसे हालात पैदा हो चुके हैं तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि मौसम गर्मा में क्या हाल हो सकता है। डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज ऑफ लॉ में 12 जनवरी को तलबा के दरमियान मजमून नवेसी के मुकाबले और डिबेट कंपटीशन रखा जाएगा। ये इतला प्रोफेसर विनोद पाटिल ने दी। उन्होंने बताया कि डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज ऑफ लॉ में तलबा के दरमियान ये मुकाबले स्वामी विवेकानंद की जयंती की मुनासिबत से रखे जा रहे हैं, जिसके लिए तलबा को कौमी यकजहती, कानूनी मामलात और समाजियात से मुतालिक मौजूद दिए गए हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर नीरानंद बेहरा, डॉक्टर प्रमोद हिराड़े और दीगर ऑर्गेनाइजर्स मौजूद थे। डॉक्टर अंबेडकर विधि महाविद्यालय औरंगाबाद यांच्यातर्फे दिनांक 12 जानेवारी हा दिवस राष्ट्रीय युवा दिन, हा दिवस आपण स्वामी विवेकानंद यांचा जन्मदिवस म्हणून पाळतो। या निमित्त जे आहे महाविद्यालयातर्फे निबंध स्पर्धा व वक्तृत्व स्पर्धा आयोजित करण्यात आलेली आहे, जेणेकरून विद्यार्थ्यांमध्ये युवा नेतृत्वाचा विकास व्हावा या दृष्टीने ह्या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे। और अब खबरों के आखिर में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर से गुजरने वाले रास्तों पर मौजूद बेशतर पुल हुए खस्ता, टूट चुकी है रेलिंग्स, मगर इसी महीने कर लिया जाएगा मरम्मत का काम। म्यूनिसिपल कमिश्नर DM मुडिकर का तयकुन, MCN न्यूज का असर। जिला कलेक्ट्रेट के कॉन्फ्रेंस हॉल में डिस्ट्रिक्ट केयर एंड कंट्रोल कमेटी की मीटिंग मुनाकिद, हुकूमत की स्कीम का लिया गया जायजा, अफसरान को दी गई मुकम्मल फंड इस्तेमाल में लाने की हिदायत।
ریاست مہاراشٹر کے عوام کی ترقی اور انہیں فتنوں سے نجات دلانے کی غرض سے جماعت اسلامی ہند کی جانب سے 12 سے 21 جنوری تک چلائی گئی اسلام برائے امن و ترقی و نجات تحریک شہریان سے مہم کامیاب بنانے کی اپیل۔ اور 14 جنوری کو ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر مراٹھواڑہ یونیورسٹی کے توسیع نام دن کے موقع پر یونیورسٹی کے قریب رہے گا پولیس کا کڑا بندوبست اور کھلی رہیں گی پولیس کے کیمروں کی آنکھیں، کہا پولیس کمشنر یشسوی یادو نے۔ اسی کے ساتھ آج کا ایم سی این اردو خبرنامہ ختم ہوتا ہے، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔